जो फिलहाल हमें नहीं मिल पाया, मैं भी बिजी रिजर्वेशंस के लिए। अभी प्राइम टाइम होता है, दिवाली पे लोग घर जाते हैं वेकेशन टाइम में, और समर में भी, समर ब्रेक में, तो मे बी नेक्स्ट टाइम हमें मिले। और आते टाइम में भी बदकिस्मती से कैबिन में हमें क्रू कूप नहीं मिला है, बट नेक्स्ट टाइम हम कूप में ज़रूर ट्रैवल करेंगे और फिर इसका भी एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। सिर्फ एक प्राइवेसी का फ़र्क है, अदरवाइज सारी चीज़ें सर्विस सेम, ऑलमोस्ट सेम है इसमें भी। उसमें जैसे कि कैबिन में 4 सीटें होती हैं, इसमें 2 सीटें हैं। हाँ, और इसमें लेग स्पेस थोड़ा सा ज़्यादा मिल जाता है, और जो लेग स्पेस है बड़ा मिरर। हाँ, और ये सेपरेट मिरर मिल जाता है, और ये डॉल्फिन तो क्या डिफरेंट किसी ने लगा रखी है, अदरवाइज टेबल है, बस यही है। अदरवाइज अगर आप 4 के साथ जा रहे हो, मेरे ख्याल से एक फैमिली होती है तो बच्चे तो होते ही हैं साथ में, तो कैबिन ज़्यादा बेटर रहता है। अगर आप सिर्फ दो हो, दो बंदे ही हो, तब ये ठीक है, थोड़ा सा प्राइवेट है, सेपरेट है। अदरवाइज देखने में और जो एक फीलिंग आती है, जो ह्यूज एक कैबिन में ज़्यादा अच्छी वो आती है। और ये स्टेयर हैं, इसमें भी जैसे कि सेम है कोप में, लेकिन थोड़ा सा कंजस्टेड सा लगता है, जैसे हॉलीवुड मूवी में जो जो प्रिजन दिखाते हैं कुछ काइंड ऑफ, इसकी स्पेस काफ़ी। बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मुझे मोनिका को ये ज़्यादा पसंद लगा है, इसको खूब ज़्यादा अच्छा लगता है। बट ना शिप के जो कैबिन होता है ना, वो एक नंबर के लगते हैं मुझे, सबसे बेस्ट लगे। एम वी कवर थी शिप के ना, मेरी जितनी भी ट्रैवलिंग हुई है, मुझे ना प्लेन में मज़ा आता, ना मुझे ट्रेन में, जितना मुझे शिप में मज़ा आता, तो अलग अलग एक्सपीरियंस है। ये देखिए कितना बढ़िया व्यू है, आप देखिए रिवर फ्रंट के, रिवर फ्रंट के ऊपर से जा रही है, ये सबसे बढ़िया व्यू है। आप देख सकते हैं कि ब्रिज जैसे की लाइन जो है, नाइट का व्यू, का व्यू कितना बढ़िया लगता है, अच्छा दिख रहा है लाइट, साथ में स्काई राइज दिखती है आपको। और जो मेंटेनेंस, जो रिवर फ्रंट पे जो काम हुआ है ना, उतना कहीं पर भी काम नहीं हुआ है। आप कहोगे थेम्स जो लंदन में है, उसके कंपैरिजन पे इस पे काम चल रहा है, और काफ़ी हद तक इस पे सक्सेसफुल भी हुए हैं। लग नहीं रहा था कि कोई रिवर ऐसी भी मेंटेन की जा सकती है इंडिया में, लेकिन बहुत ही अच्छा काम हुआ है यहाँ पे, और अपलिफ्टमेंट हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। कितने सारे घर हैं, जो स्काई राइज हैं, काफ़ी प्राइम लोकेशन है ये गुजरात की, अहमदाबाद में। पापा जी उसके उधर दिखा। हाँ, तो अभी सफर चल ही रहा है, हम भी अपने को पैसेंजर्स का वेट कर रहे हैं, देखते हैं कैसी फैमिली आएगी। तो मैंने अपनी चॉइस बता दी, मुझे कूप पर्सनली पसंद है फॉर प्राइवेसी, अदरवाइज तो दोनों में सेम फैसिलिटीज हैं। तो बस अभी आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करते चलेंगे, वेट कर रहे हैं कि हाँ भी कॉफ़ी या कुछ भी कोल्ड ड्रिंक सर्व लेंगे, उसके बाद फिर डिनर आएगा। तो ऐसे ही बातचीत में और इन्जॉय करते सफ़र बीत जाता है। युगा में बुला रहा है, बाहर देखिए दोस्तों खाना आ चुका है, लगभग लग चुके हैं, इनके अंदर भी आपको खाना सर्व किया जाएगा। देखो ये मिक्सी जूसर, ये इंडक्शन की जो दिखा रहा है, और ये गीजर, ये मामा जी वो बोल रहे हैं एयरपोर्ट। अपने पास बर्नर स्टोव है ना घर पे, और चॉपर में मिक्सी से कटिंग करके ना, आपने देखा ना प्याज टमाटर, और लंच बॉक्स अपने पास इस तरह के है, ये अब यूज नहीं करते ना। और देखो ये आपके पास है ना स्टडी टेबल फोल्डिंग वाला। यात्री कृपया ध्यान दें, पालनपुर स्टेशन पर पहुंचने वाली, तो आप लोगों को पालनपुर जाने में 2 मिनट। मैं वॉल्यूम कम करके दिखाती हूं आपको, हटो यू। पालनपुर स्टेशन, पालनपुर स्टेशन में पहुंचने वाले हम पालनपुर। तो मैंने ना, मुझे लगा कि मेरे को
जब बार बार मैं बोर हो चुकी है ना, बार बार जब मैं ब्रीफिंग देते कि अब हम स्टेशन पर हमने विजिट कर लिया, तो मैंने अब इसके नॉब को रोटेट कर दिया और बंद कर दिया इसका। और हमारे देखिए डॉग के बाग करने की आवाज़ आ रही है, मेरे से नेक्स्ट कैबिन में डॉग है किसी ने, तभी उन्होंने लॉक लगा रखा है। तो अगर आपको अपने डॉग को लेके चलना है ट्रैवलिंग करनी, क्योंकि कई पैट ना अपने मालिक के बगैर नहीं रह पाते, और घर में जब एक ही दो मेंबर हो तो उस पैट को कहाँ छोड़ेंगे, बस के पास भी कैसे छोड़े। मैंने फोन में देखा एक मालिक अपने एरोप्लेन में बैठ के उसको छोड़ दिया और वो बच गया, और उसको एक बच्चा मिला, उसने उसको बहुत पाला, और जब जो उसका मालिक आया तो वो तो उसको खींच के लेके जा रहा था, पर वो उसके हाथ छोड़ के उस बच्चे के पास जा रहा था। वही मैंने भी कुछ इंटरेस्टिंग बात बताई सामने, कुछ कुछ हो रहा है, देखो दिखाते हैं। अच्छा ये क्या हो रहा है? ओनर के ऊपर टोटली डिपेंड होते हैं कि उन्हें पीछे से कौन फील करेगा, हम उसे अकेला नहीं छोड़ सकते, हमारी जिम्मेदारी। अगर हम किसी भी पेट को पाल रहे हैं तो उसकी केयर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एयरप्लेन से भी ट्रेवल कर रहे हैं तब भी आप ना उसको लेके जा सकते, उसके चार्जेस आपको पे करने पड़ते हैं। तो ये मिक्स वेज जो कि मुझे बड़ी पसंद है, एक नॉन वेज एक वेज है ना, मैंने बोला ना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो आई थिंक वो भैया मुझे ज़्यादा देखे चले गए मेरी प्लेट में। तो मैं खाऊंगी इस बार वेज, क्योंकि आई थिंक मैं लास्ट 2 मंथ से तो डेफिनेटली वेज ही खा रही हूँ आजकल, क्योंकि कभी नवरात्रे आ जाते हैं, कभी कुछ था तो श्राद्ध थे बीच में, तो मैं नॉन वेजिटेरियन हूँ। बट जब बात आती है कि भाई ठीक है कुछ इस तरह के पावन दिन चल रहे होते हैं तो उस टाइम पर मैं अवॉइड करती हूँ, क्योंकि भगवान की अपनी एक अलग जगह है। अब मैंने बचपन से खाया तो मैं खा लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है, बट कई बार मैं सोचती हूँ आई थिंक मैं ठीक नहीं कर रही ऐसे जानवरों को खाना ये सब, तो देखते हैं, आई थिंक मैं शायद क्विट कर दूँ। मुझे नहीं खाना। अरे बेटा डाल ले दे। अंकल को दे दो अंकल से ना। बेटा जो आपको खाना खा लेना, पापा मम्मी खाएंगे ना, जो खाना वो खा लेना। चिकन नहीं वाला है, अब चिकन आएगा उसमें डालना। मेरी वेज थाली और डीप है नॉन वेज लवर, तो काफी चीजें आएंगी। और इसमें जब आते हैं बेटा डोंट टच जाना, बाबूजी मुझे बैठने दो ना मेरे सामने। एक सेकंड बेटा, आप बेटा टच मत करो ये गिर जाएगा। ठीक है ये दाल पता नहीं, आई थिंक अरहर के लग रहे हैं, टेस्ट करके बताती हूँ मैं। अरहर की दाल है, किसकी दाल है? अरहर की। हाँ मैंने कहा ना ऑलमोस्ट हमेशा मुझे आता है अरहर, मुझे जो कि पसंद नहीं है। जीरे का तड़का है ना, जीरा टमाटर का तड़का है, ये है इसमें पिकल, मिक्स पिकल है, ये है टॉप्स का। देखिए क्वालिटी अच्छी यूज करते हैं, मदर डेयरी की आपको ना अच्छी ब्रांड की दही मिलती है और टॉप्स के ही पिकल मिलते हैं। चलो इसमें इसमें इसको अनरैप करते हैं। अनफोल्ड कर रहा है इसको दीप, क्योंकि युग से पेशेंस कंट्रोल नहीं हो रहा है इस टाइम पर। इसमें है चिकन, बोनलेस आता है इसमें, कैसे लगा रही हो? मिर्च ज्यादा तो नहीं है, ये सब्जी मुझे अभी मिक्स वेज, तभी मेरे को तो ज्यादा दी उन्होंने। ये है पराठे, ये चीज मुझे सही नहीं लगती है, रात के टाइम पे भी पराठे देते हैं ना, इसमें रोटी होनी चाहिए थी, चपाती हो ठीक है, और 81 में तो तंदूरी रोटी भी मिल जाए तब भी।
ये रेलवे को एक बार देखना चाहिए इसमें ऑर्डर के ऊपर, अगर आप चपाती खाना पसंद, क्योंकि ये पराठा भी लच्छा पराठा है मेरे ख्याल से, है ना। हाँ। मुझे तो पसंद है दीप ज्यादा ना, ये देखो कैसे ना पराठा, ये थ्री लेयर्स में, थ्री लेयर में, तो इसको पूरा स्ट्रेट करके फिर फोल्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं मोनिका को ही पता है, वो भी जानते होंगे, लेकिन मुझे तो इंटरेस्ट कुकिंग में है नहीं, खाने में है, कुकिंग में इसलिए नहीं है मुझसे। अच्छा एक बात बता, सच सच बता, तेरे को क्या आता है खाने में, क्या कुछ बनाना आता है? कुछ खाना आता है, बनाना क्या आता है? बनाने के लिए जो सामान चाहिए होता है वो मैं ढूंढ के ले आता हूँ, लेकिन पता है कि मैं बताती हूँ सच, दीप को सिर्फ एक कॉफी बनानी होती है और बस मैगी, उसके अलावा मैं इसको कहना है चाय, कभी चाय भी, जैसे मैं बीमार हो जाऊँ तो इमरजेंसी में से मुझे चाय बना के भी नहीं पिला सकते, सिर्फ कुछ भी नहीं आता, सिर्फ कॉफी और मैगी। अभी अंकल वो लेके आए ना, तो मैं भी अब डिनर करती हूँ फिर बात करती हूँ हम लोगों से। शाही पनीर ये थोड़ा सा स्पाइसी है, जैसे मैं इतनी ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती, बाकी सब्जी एक नंबर लगी मुझे, मिक्स वेज लगती बहुत सही है सीजनिंग, क्योंकि सारी कलरफुल बढ़िया से बढ़िया इसमें वेजिटेबल यूज़ करके, कैप्सिकम, कैरेट, पीज, तो ये मुझे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। और दही देखते हैं, खट्टी तो नहीं ज़्यादा, दही बिल्कुल फ्रेश है, खट्टी नहीं है, तो बढ़िया लगा मुझे, सर्विस भी अच्छी है, ऊपर से मैं खाने को दूंगी 10 में से 9, एक मैंने थोड़ी सी ना शाही पनीर में मुझे मर्ची लगी, अरहर की दाल मैं नहीं खाती तो मैं नहीं खाऊंगी, दीप खा लेगा उसे राइस के साथ खाने। पनीर का रिव्यू दे बेटा, चिकन का, आप तो पनीर खाते नहीं हो बेटा, आप तो चिकन खा रहे हो, चिकन का रिव्यू देगा टेन में से टेन। अच्छा लगा आपको? अच्छा, पानी क्या हुआ, मिर्ची है क्या उसमें? हाँ, जो खाना कम पानी ज़्यादा पीता है, ऑलमोस्ट आधा लीटर तो पानी ये पी जाएगा एक रोटी के साथ। ओके, मैं दाल टेस्ट करके देखता हूँ। ये देखिए AC1, देखिए शाम का खाना AC1 स्वर्ण जयंती राजधानी एक्सप्रेस अहमदाबाद से दिल्ली। ये है चिकन, इसमें बोनलेस पीस हैं, अरहर की दाल है, और ये देखो मुझे यहाँ पे चोट लग गई। ओके, ये है पराठे, ये देखो मिक्स वेज, ये चोट दिखा रहा है, कहाँ लगी दिखाओ, ये पता नहीं कैसे लग गई इसको। अच्छा, साथ में है दही, और ये है शाही पनीर, ठीक है। मैं अरहर की दाल नहीं खाती दीप, कैसी है? मुझे तो उसकी ना स्मेल से ही एलर्जी है, मुझे नहीं अच्छी लगती अरहर की दाल, सारी दालें खाती सिर्फ अरहर की दाल, मतलब ये गलत था, मैंने जो कहा सारी दालें खाती हूँ, अरहर की दाल नहीं खाती, उसके अलावा सारी दालें जो बची ना वो सब खा लेती। क्या कर रहे हैं?
जयंती राजधानी एक्सप्रेस का चिकन, अच्छा बहुत ही बढ़िया दोस्तों, स्पाइसी ज्यादा तो नहीं है, उससे बढ़िया तो ये सब्जी है। बच्चे के लिए यूको स्पाइसी लग रहा है, स्पाइसी लगा ये अच्छा असली वाला चिकन मेरा तो चाहिए। नहीं ये पूरी चाहिए ना, पूरी सब ठीक है, ठीक है दो फ्लेवर्स में आइसक्रीम मिलती है, बटर स्कॉच और वेनिला। तो युग है बटर स्कॉच लवर, मैं हूँ वेनिला और युग भी वेनिला। वेनिला तो अब हम लोग एंजॉय करते हैं, वेनिला अच्छी लगती है आपको बटर स्कॉच। देखिए खाने के बाद ये आइसक्रीम का लुत्फ उठाते हुए, वैसे आइसक्रीम तो एसी वन और एसी टू में भी मिलती है, लेकिन उसमें फिक्स फ्लेवर होते हैं, सिर्फ वेनिला ही मिलती है, यहाँ पर डिफरेंट फ्लेवर मिलते हैं ना। क्वालिटी में भी कुछ फर्क है क्या? क्वालिटी का ध्यान है मुझे अमूल की, पापा कब खाओगे? बटर स्कॉच अमूल की है, ये मदर डेयरी की है वेनिला। मम्मी मैं तो ठीक है, एक और देख लेते हैं।